अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन, आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। वी आर डूइंग यूनिट नंबर 11। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 11.1। यूनिट नंबर 11 इज अबाउट एरिया एंड पैरीमीटर। यूनिट नंबर 11 अबाउट एरिया एंड पैरीमीटर। टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज ऑफ 11.1। Find the area and perimeter of the following square and rectangle. आपके पास square shape भी दी हुई है और rectangle भी दी हुई है, आपने इसका area and perimeter find करना है। First part is square shape दी हुई है आपके पास, square shape का आपने perimeter भी find करना है और area भी find करना है। Square shape वो होती है जिसकी four sides जो हैं, four equal sides होती हैं। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी फोर इक्वल साइड्स होती हैं। तो उसने साइड दी हुई है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर की फोर साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास इन फोर साइड्स का जो भी साइड दिए हुए है वो 7 सेंटीमीटर दिए हुए है। ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेरीमीटर होता है आउटसाइड बाउंड्री ऑफ अ शेप। आउटसाइड बाउंड्री ऑफ अ शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक, अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है हमने। तो पहले ही मैंने बता दिया कि जो स्क्वायर है आपके पास उसकी फोर इक्वल साइड्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे, फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे उस साइड के साथ जो आपके पास गिवन दी हुई है। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 8 का क्या होता है 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? इक्वल टू साइड स्क्वायर। स्क्वायर जो है हमारे पास, एरिया जो है हमारे पास, जो भी शेप दी होती है उसका हमने स्क्वायर लेना होता है। तो हमारे पास जो साइड गिवन है 7, हमने उसका स्क्वायर ले लिया। 7 7 ज़ा 49 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये एरिया ऑफ आ स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा सेकंड पार्ट है उसका, और इसमें हमारे पास ये रेक्टेंगल दी हुई है। रेक्टेंगल में हमारे पास बेटा लेंथ इक्वल होती है और विथ इक्वल होती हैं। इसकी ये टू साइड्स इक्वल होती हैं और ये साइड्स इक्वल होती हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विथ। ठीक है, लेंथ क्या होता है? लंबाई, और विथ क्या होता है बेटा हमारे पास? चौड़ाई। ठीक है, विथ हमारे पास होती है चौड़ाई। तो हमारे पास लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर और विथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट 6 प्लस 4 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल है 20 सेंटीमीटर। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। ठीक है, लेंथ को आपने विथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा उसका। तो लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और विथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। 6 4 ज़ा क्या होता है? 24। तो सेंटीमीटर स्क्वायर उसका यूनिट आ जाएगा। ये टू पार्ट्स आज मैंने सॉल्व करवाए, बाकी रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो आपने अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं और उनको सॉल्व करना है। थैंक यू।